हम इस समय राजगढ़ में हैं और राजगढ़ में आप देखिए जहां पे तोड़फोड़ हुई, दरअसल ये सराय मोहल्ला है। इस पूरे इलाके में 15 फीट रोड बढ़ाई जानी थी जिसको लेकर ये तोड़फोड़ हुई। लोगों के घरों का के हिस्से को तोड़े गए। ये लोगों का ये आपका घर है मैडम? ये आगे क्या दुकान थी? क्योंकि मैं ये आगे दुकान थी। हाँ, आगे दुकानें थी। तो इसी से आप लोगों का घर चलता था? हाँ, इसी से ही चलता था। ये रिपेयरिंग करते थे बिजली के सामानों की, उसी से गुजारा चल रहा था हमारा। अब क्या है, हो गए अब बेघर हो गए, काम धंधा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। आप लोगों ने प्रशासन ने कब आप लोगों को बताया कि ये तोड़ा जाना है? नोटिस आया था कम से कम, नहीं तो 2-7 दिन का नोटिस आया था। उसके बाद में 3 दिन पीछे ये काम चालू हो गए, 3-4 दिन पीछे ही। 7 दिन भी नहीं रुके? दिन रुके थे ना, पर ऐसे पहले भी हुआ था कि कई बार ऐसे नोटिस वगैरह आए थे कि भाई तोड़ा फोड़ी होगी, लेकिन हुई ना, हो ही नहीं। करना था छुट्टियां खत्म होने से पहले करना था, संडे तक। क्या नाम है आपका? कमला विजय। मैडम आप कितने साल पुराना मकान है इसका? नहीं, हमारे उधर मंदिर है, वहाँ मकान है। ये तो काफी समय पहला है, मेरी तो शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन दादा परदादों के टाइम का बना हुआ मकान है ये। हमारे इसी दुकान से रिपेयरिंग के काम से आप लोग घर का खर्चा? हाँ, इसी से खर्चा चलता था। दरअसल ये पूरा जो रोड है ये कमर्शियल रोड है, लोगों के अपने अपने घर रहें, दुकानें रहें, मकान रहे। अब चूंकि ये 15 फीट सड़क बढ़ाने के नाम पे तोड़ा गया तो लोगों की दुकानें खत्म हो गई, मकान खत्म हो गए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान भी हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये दुकानें थी, देखिए लोगों की दुकानें ख़त्म हो गई। ये आपकी दुकान थी यहाँ पे दुकान थी? दुकान थी, ये पीछे घर था। इसी से की दुकान करते थे। आप लोग घर चलता? हाँ, इसी से करते। तो आप कैसे चलेगा? आप कैसे भी नहीं है, बैठे हैं ऐसे ही, कुछ भी नहीं है। शनिवार सुबह अनाउंस किया गया और शाम को काम तोड़फोड़ शुरू कर दिया। हाँ, कहता रात का टाइम है, सुबह 6 बजे, फिर 11 बजे आए थे वो तोड़ने के लिए। 11 बजे से शुरुआत कर दिया, या खाली करो या मत करो मकान को। जेसीबी लग गई 8-10, तो उसे तुरंत गिरा दिए सबके। कितने फुट तोड़ने के लिए कहा गया? हमारे इधर से तो 5.5 किया था, लेकिन उन्होंने ज्यादा तोड़ दिया। सरकारी से तो 5.5 का था, लेकिन उन्होंने तो 8-12 फुट ले लिया, 13 फुट ले लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। तो अब घर कैसे चलेगा? घर का खर्च कुछ नहीं, अभी तो ऐसे ही चला रहे हैं, बस काम चला रहे हैं ऐसे ही। अभी तो कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, गेहूँ नहीं है घर में। चिंता तो है भाई, परेशानी तो है। जब लोगों का रोजगार चला जाता है, लोगों की दुकान चली जाती है, मकान चला जाता है जिसको सालों से वो बनाता है, उसको रखता है, और अचानक एक दिन तोड़ दिया जाता है, तो निश्चित रूप में दिक्कतें तो होती है। ये देखिए पूरा इलाका, आप जहाँ तक नजर जा रही है ये पूरे इलाके में तोड़फोड़ हुई है। ये इलाका क्या बोलते हैं? सराय मोहल्ला। हाँ, हमारा घर ही वो सामने घर है, पूरा चले गया हमारा भी। तो हमारा भी पूरा तोड़ दिया गया। करीब 30-35 फुट तोड़ दिया। 35 फुट आप आगे आ गए थे क्या? आगे नहीं आए, पहले क्या रास्ता था उस वजह से। पुराना मकान, 300 साल पुराने मकान हमारे। अभी आगे कौन सा मंदिर है? देखिए आगे ये आइए, ये घर थे पहले, मैं आप दिखाया राधा दामोदर दास मंदिर आपको दिखाया, अब आपको ये दूसरे मंदिर में ले चलते हैं। ये देखिए, ये एक मंदिर था। ये कौन सा मंदिर है? ये था माता जी का मंदिर था। कौन सा मंदिर? नाम ये माता जी का मंदिर था। इनकी पूजा करती थी, चौथ माता का मंदिर था। ये शिवालय मंदिर था, चौथ माता का मंदिर। ये देखिए मंदिर का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे पड़ा, अभी भी पड़ा हुआ है। इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया। खैर, ये कितने साल पुराना रहा? 300 साल पुराना करीब। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, और ये लगातार जितने भी इधर घर है, खैर लोगों को घर तोड़े जाने से कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं थी कि भाई घर तोड़े, लेकिन मंदिर तोड़ने में लोगों को आपत्ति आई। एक मंदिर देखिए ये है, ये कौन सा मंदिर था? ये शिव जी का मंदिर था। शिव जी का मंदिर था और इसे भी तोड़ दिया गया। तो दरअसल इस पूरे इलाके में तोड़फोड़ हुई है। देखिए यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दी है, क्योंकि लोगों में बहुत ही गुस्सा है, तनाव है, और इसको लेकर लोगों ने यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस भी तैनात कर दी गई है, और स्थानीय जो यहाँ से इस पूरे इलाके काफ़ी बड़ा नाम है, कहते हैं किरोड़ीलाल मीणा, वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और किरोड़ीलाल मीणा भी लोगों से।
300 साल पुराना। ये देखिए यहाँ पे ये लोगों में परेशानी है, लोगों में गुस्सा है, लोग लगातार इस बात के लिए गुस्सा हैं कि उनके पुराने मकान तोड़ दिए गए, पुराने पुराने घर तोड़ दिए गए। और ये देखिए ये क्या सरकारी बिल्डिंग है क्या? कौन सी है? चौकी है क्या? ये क्या चौकी थी? ये वन विभाग का जो है दफ्तर है। आप देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो पूरा इलाका आपको पूरी तरह से दिखाई पड़ता है, जहाँ तक जाते हैं उजड़ा हुआ शहर दिखाई पड़ता है। कभी यहाँ पे चमन हुआ करता था, पूरी मार्केट हुआ करती थी, लोग सुबह शाम यहाँ पे मार्केटिंग किया करते थे, चूँकि स्थानीय मार्केट थी। लेकिन अब ये पूरी तरह से उजड़ा हुआ बाजार नज़र आ रहा है, उजड़ा हुआ बाज़ार नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ भी देखो केवल मलबा ही मलबा दिखाई पड़ रहा है, लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। लोग अपने घरों से निकल कर केवल और केवल अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ नीरज पांडे, बीपी न्यूज, राजगढ़।